वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड पूनम शर्मा। इंदौर जिले के मांगलिया में एक निजी संस्थान में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे आधार कार्ड बनाने के सेंटर पर कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल बंद कराया गया है। सेंटर की मशीन को भी जब्त कर लिया गया है। जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी की जिला प्रबंधक सुश्री अंकिता पोरवाल ने बताया कि गत दिनों सहायक प्रबंधक श्री राकेश कुमार एवं उनकी टीम द्वारा इस सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यह सेंटर अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। तत्काल कार्रवाई करते हुए इसे बंद करा दिया गया तथा इस सेंटर की मशीन जब्त कर ली गई। सुश्री पोरवाल ने बताया कि संबंधित संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। निर्देश दिए गए हैं कि जिले में नियमानुसार वैध आधार सेंटर ही संचालित किए जाए। अवैध रूप से संचालित सेंटरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले में चल रहे आधार सेंटरों का आकस्मिक निरीक्षण आगे भी जारी रहेगा। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।